ओम शांति। बाबा की अवैक मुरली है, अगस्त 18, 2024 रिवाइज डेट है, फेब्रुआरी 28, 2001। अवैक बाप दादा मधुबन। मुरली का टाइटल है शिव जयंती, व्रत लेने और समर्पण होने का यादगार है। तो बाबा शिव जयंती के बारे में मुरली सुना रहे हैं, तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य। आज त्रिमूर्ति रचता शिव बाप अपने पूज्य शालिग्रामों से मिलने आए। कैसे शालिग्राम है, हम बच्चे शालिग्राम कैसे पूज्य, क्योंकि बाप के साथ हमारी भी पूजा होती है शालिग्राम के रूप में, शिव जयंती या तो शिव रुद्र यज्ञ में। मिलना भी है तो आज मनाना भी है, दोनों साथ साथ। आप सभी विश्व के चारों ओर से बाप दादा की जयंती बड़े उमंग उत्साह से मनाने के लिए पहुँचे हो, कहाँ माउंट आबू। बच्चे कहते हैं बाप की जयंती मनाने आए हैं, और बाप कहते हैं बच्चों की जयंती मनाने आए हैं। आप सब भी अपनी जयंती मतलब अलौकिक बर्थडे मनाने के लिए आए। हमारा जन्म कैसा है, अलौकिक ब्राह्मण जन्म, ज्ञान से जन्म, शरीर से नहीं। इसलिए इस जन्म को अलौकिक जन्म कहा जाता है, जो संपूर्ण पवित्रता से है, ये शरीर की बात ही नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं अलौकिक बर्थडे। सारे कल्प में ऐसा न्यारा और प्यारा बर्थडे कभी होता नहीं पूरी दुनिया में। अलौकिक, जिसमें लौकिकता नहीं है, शरीर की बात ही नहीं है। इसलिए हमें दो जन्मदिन होते हैं, एक है अलौकिक, एक है लौकिक। हमें मनाना है अलौकिक, इसलिए बाबा कहते हैं अलौकिक बर्थडे मनाने आए हो। लौकिक बर्थडे हमें मनाने की जरूरत नहीं। और जब बर्थडे मनाते हैं लौकिक या अलौकिक, तो क्या करना है, बाबा का मैसेज मिले ऐसा कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करना है। किसी को मानो बुलाते हो घर पर या कुछ भी हो, तो बाबा का ज्ञान कैसे आगे बढ़े उसके बारे में हमें अलग अलग युक्तियाँ निकालनी है। तो बाबा कहते ऐसा सारे कल्प में ऐसा न्यारा और प्यारा बर्थडे कभी होता नहीं है। सारे कल्प में देखा है ऐसा बर्थडे मनाया है जो बाप का भी हो और साथ में बच्चों का भी हो, ऐसा कहीं देखा बाबा कहते सारे कल्प में कि बाप और बच्चों का बर्थडे सेम हो, पॉसिबल ही नहीं। क्योंकि विश्व परिवर्तन के कार्य में शिव बाप ब्रह्मा दादा के साथ साथ ब्राह्मण भी जन्म चाहिए। मगर यहाँ क्या है, जब बाबा आता है ब्रह्मा के शरीर में, तो पहला ब्रह्मा का बर्थ होता है, उनके द्वारा ब्राह्मणों का बर्थ, एक ही दिन बर्थ। उनका भी शिव पधरावणी होती है दूसरे के शरीर में शिव बाबा की, तो उनका भी और ब्राह्मणों का भी। ब्राह्मणों के बिना यज्ञ सफल नहीं होता है, इसलिए बाप और बच्चों का इकट्ठा जन्मदिन है, अर्थात जयंती, गांधी जयंती कहते हैं ना। अलग अलग प्रकार के बड़े बड़े नेताएं जो हो गए, या तो बड़े बड़े धर्म नेताएं जो हो गए, उनकी कोई ना कोई प्रकार के जन्मदिन मनाते हैं, जिसको जयंती कहते हैं। तो शिव जयंती है शिव बाप के जन्म की जयंती, मतलब अवतरण, क्योंकि परमात्मा कभी भी जन्म मरण के चक्कर में आता नहीं है, दूसरे के शरीर में सीधा आता है। इसलिए जन्म है, मगर कैसा है, अलौकिक जन्म। हमारा भी जन्म होता है मगर शरीर से नहीं, ज्ञान से, अलौकिक है। इसलिए लौकिकता की सब बातें खत्म हो जाती हैं। तो बच्चे दिल ही दिल में बाप को मुबारक दे रहे हैं, शिव बाबा को, और बाप हर एक ब्राह्मण बच्चों को अलौकिक जन्म की अरब खरब से भी ज़्यादा दिल की दुआओं के साथ मुबारक दे रहे। बाबा के वर्णन देखो, दिल की दुआओं के साथ मुबारक दे रहे। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, सभी ने हाथ हिलाया। बहुत अच्छा, एक हाथ की ताली अच्छी लगती है, दो हाथ की नहीं। बाबा को क्या चाहिए, साइलेंस। दो हाथ की ताली बजाएंगे तो आवाज़ होगा क्लैपिंग का, इसलिए बाबा कहते हैं दो हाथ की ताली नहीं बजाओ, एक हाथ से हाथ ऊंचा करो, ताली बज गई, खत्म। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं, बाबा की जब वाणी चलती है तो अनाउंस होता है कि बीच बीच में बाबा जब तक कहे तब तक कोई ताली नहीं बजाए।
बार बार रिपीट करते हैं हर बाबा के टन में, क्योंकि बाबा को क्या चाहिए सुनना है, तो शांति चाहिए ना हमें भी, और बाबा को भी जो कहना कह सके। आवाज़ में हम ना सुन सकेंगे, बाबा कहेगा तो भी। बहुत खुशी है ना तो हाथ रुकते नहीं है, चल पड़ते हैं, ताली बज जाती है कभी कभी, एक बजाता है तो दूसरा फॉलो करता है, इसलिए बिगिनिंग में ही मना करते हैं। दुनिया में भक्त लोग भी शिव जयंती बड़े धूमधाम से मनाते हैं। अब बाबा शिव जयंती के बाद आता है, क्या क्या मनाते हैं उनके साथ हम क्या मनाते हैं, बाबा पूरी की पूरी कंपैरिजन करता है। लेकिन वह मनाते हैं एक दिन का जागरण, दुनिया में जो भक्त लोग मनाते हैं रात को जगते हैं, वह एक दिन का व्रत, खाते पीते नहीं उपवास करते व्रत। आप बच्चों ने अज्ञान नींद से जागरण का संकल्प एक दिन के लिए नहीं किया, वो तो एक ही दिन करते हैं फिर खत्म। हमारा एक दिन के लिए नहीं है, नहीं जागरण वह भी करते, लेकिन आपने एक संगम युग का हीरे तुल्य जन्म जागरण किया है और कर रहे हैं। हमारे अंदर जो गॉड गिफ्टेड संस्कार थे, बाबा ने आकर जागृत किया, इमर्ज किया, इसलिए एक दिन में तो इमर्ज नहीं हो जाएंगे। ऊपर तो जन्म जन्मांतर के संस्कारों का लेप छेप लगा हुआ है, इसलिए देरी लगेगी, पूरे जन्म तक पुरुषार्थ करना पड़ेगा। इसलिए बाबा कहते हैं एक जन्म के लिए हमारा जागरण है, उनका जागरण एक दिन के लिए। जाग गए हैं ना, बाबा पूछ रहा, अभी फिर सोएंगे तो नहीं ने, या थोड़ा थोड़ा सा सो जाएंगे? अच्छा सोए नहीं तो थोड़ा झुटका खा लेंगे, देखो बाबा सब जानता है इसलिए सब बताता है, क्या करेंगे? यह जागरण ऐसा जागरण है जो स्वयं तो जाग जाते हैं लेकिन औरों को भी जगाते हैं। अब कहते हैं ज्ञान सीमित खुद तक नहीं रखना है, इसको बांटना है, मतलब दूसरों को जगाना है कोई भी मेथड से। मेथड हमें ढूंढ निकालनी है, विधि, विधि अपनाएंगे तो ही सिद्धि मिलेगी, और बाबा हर मुरली में कोई ना कोई विधि बताते हैं, इसलिए हमें ध्यान से मुरली सुनना है और जीवन में अपनाना। ज्ञान की जीवन में जागरण माना, अंधकार से रोशनी में आना, पहली बात। यह अलौकिक जागरण सभी को अच्छा लगता है ने? जब से जन्म लिया, जयंती मनाई, तब से क्या क्या व्रत लिया याद है ने? बाबा सब कुछ याद दिलाता है, बाबा के सामने सो जो प्रॉमिस किया वो सब बाबा याद दिलाते हैं, व्रत लिया ने, याद है ने? बच्चे कहते हैं याद तो क्या, हमारी तो नेचुरल जीवन ही व्रत की हो गई। पवित्र आहार, पवित्र व्यवहार और पवित्र विचार ये जीवन बन गई, आहार व्यवहार विचार। एक मास के लिए, दो मास के लिए नहीं, जीवन ही व्रत धारण करने वाली बन गई। कई लोग क्या करते हैं शिवरात्रि के पर एक मास के लिए पूरा व्रत लेते हैं, कुछ नहीं खाएंगे, ये नहीं करेंगे आदि आदि। नेचुरल बन गई और नेचर बन गई, पवित्रता की नेचर बन गई है ने? नेचर बन गई है या बनानी पड़ती है, यानी बाय फोर्स है, ये वॉलंटियरी है, अपनी चॉइस के आधार पर है, क्या है, बन गई है ने? सिर्फ कांध हिलाओ बस, बन गई, अपवित्रता नेचर से समाप्त हो गई और पवित्रता जीवन में समा। क्या करना है, प्योरिटी अपनानी है पूरी मन वचन कर्म से। ऐसे हीरे तुल्य शिव जयंती व शालिग्राम जयंती मना ली, चारों ओर के देश विदेश के बच्चे भी साथ साथ मना रहे, बाबा के सामने सब है ना, बाप दादा देख रहे हैं कि चारों ओर बाप साथ और आपके साथ, वह भी कितने खुश हो रहे, कौन डबल विदेशी भी, उनकी कस्टम एंड सिस्टम में शिव जयंती नहीं है, तभी बाबा कहते वो भी आपके साथ बाप के साथ कितने खुश हो रहे। आज के दिन विशेष भक्त लोग आपका यादगार बलि भी चढ़ाते, जो करते हैं बाबा सब कुछ कंपेरिजन। आप सब मन वचन कर्म से बाप के आगे समर्पण होते हो, उसी का यादगार भक्त लोग अपने को बलि नहीं चढ़ाते, बकरे को बलि चढ़ा देते।
क्या करते हैं, कहीं भक्त शिव जयंती के ऊपर बकरे का बलि चढ़ाते, बाबा याद कराते हैं, और कहीं नहीं मिला, बकरा ही क्यों मिला, दूसरे क्यों नहीं करते हैं, इसका भी रहस्य आप जानते हो, क्योंकि सबसे बड़े से बड़े ते बड़ा देह अभिमान का कारण है मैंपन, ये नहीं जाता, मैं और मेरा, बाबा कहते अंत तक नहीं जाता है, यह मैंपन जब समर्पण कर लेते हो तब ही ब्राह्मण बनते हो, तब तक पक्का ब्राह्मण नहीं है। ब्रह्ममन जिसका मन ब्रह्म में स्थिर होता है, मतलब सोल कॉन्शियस जो बनता है वही है ब्राह्मण, दूसरा नहीं है कोई। तो बाबा कहते जब तक पक्के ब्राह्मण नहीं बने हो तब तक मैं अपन जाता नहीं है। तो बकरा भी क्या करता है, मैं आदि आदि, तो यह देह अभिमान के मैंपन की निशानी है, और देह अभिमान का मैंपन बहुत सूक्ष्म भी है और भिन्न भिन्न प्रकार का भी है। सबसे पहला मैंपन, मैं शरीर हूँ, मैं फलाना हूँ, मैंने पहला लेसन बाबा याद करा रहा है, हमने जो कुछ यहाँ से एक्वायर किया है, प्राप्त किया, वही हमने अपने को मान लिया, चाहे अपना शरीर, जेंडर, एज, धर्म, क्वालिफिकेशन, वेल्थ आदि आदि आदि, जो भी कुछ हमने यहाँ से एक्वायर किया है उसे मैं समझ बैठे हैं। इसलिए बाबा कहता है सबसे पहला मैं कौन सा है, मैं शरीर हूँ, मैं फलाना हूँ। फिर आगे चलो, बाबा कहते और आगे चलो, इसके अंदर ही मैंपन के तो क्या क्या आता है, तो बाबा हमें सब कुछ सुना रहा है, तो फिर आगे चलो, तो संबंध में फंसने का भी भिन्न भिन्न मैंपन है ना, संबंध अलग अलग प्रकार के, फैमिली है, फ्रेंडशिप है, रिलेशनशिप है, कोवर्कर के साथ जो काम करते हैं वहाँ भी कुछ ना कुछ, और आगे चले तो भिन्न भिन्न पोजीशन का भी मैंपन, मैं फलाना चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ, मैं फलाना हूँ आदि आदि, उसमें भी सूक्ष्म अपनी विशेषता का मैंपन ऊपर से नीचे गया। तो उसमें खास बाबा कहता है कि अपनी जो क्वालिटी है, अपना जो पावर है, उसका जो मैंपन है, बहुत बड़ा मैंपन है जो बीच में आता है अपनी प्रोग्रेस में, इसलिए बाबा कहते हैं मैंपन ऊपर से नीचे ले आता है, किसका, विशेषता का। विशेषता हर एक में है, ऐसी कोई भी मनुष्य आत्मा नहीं है जिसमें चाहे स्थूल चाहे सूक्ष्म कोई भी विशेषता न हो, या नहीं है, परमात्मा की संतान है, कोई ना कोई विशेषता है, इसलिए तो यहाँ पाठ बजा रही है बाबा के साथ, वरना बाबा के साथ आती ही नहीं। इसलिए बाबा कहते हर एक में कोई ना कोई विशेषता है, चाहे बाबा कहते स्थूल कोई शरीर में ब्यूटीफुल है, चाहे सूक्ष्म कोई क्वालिटी में ब्यूटीफुल है। ज्ञानी जीवन में भी हर ब्राह्मण के अंदर कम से कम एक विशेषता अवश्य है, लेकिन ज्ञानी जीवन में विशेषता परमात्मा देन है, परमात्मा की सौगात है। बाबा को पहचाना, बाबा को जाना, बाबा को माना, अपना जीवन बनाना, ये क्या है, सबसे बड़ी विशेषता है, मगर किसने दी है, बाबा ने दी है, बाबा की सौगात है। जब परमात्मा की देन को देह अभिमान वश मैंपन में लाते हैं, मैं ऐसा हूँ, यह रॉयल अभिमान बड़े ते बड़ा मैंपन है, बाबा ने टॉर्च लाइट दी, वार्निंग दी, सबसे बड़ा मैंपन ये है कि अब बाबा ने दी हुई विशेषता, परमात्मा ने दी हुई विशेषता अपनी मान लेना, मैंपन मेरा मान लेना। तो समर्पण तो हुए ही हो, लेकिन आगे क्या देखना है, बाबा भी हमें विधि बताता है। टीचर सभी अपने को क्या कहती है, समर्पण है ना, क्योंकि टीचर जो होती है ब्रह्मा कुमारी में डेडिकेटेड होती है, समर्पित होती है, टीचर सभी समर्पण है। अच्छा, प्रवृत्ति में रहने वाले समर्पण है, कैसे, मन और बुद्धि से, हाँ या ना, पांडव समर्पण है, बहुत अच्छा, मुबारक हो। आगे क्या करना है, समर्पण तो हो गए, बहुत अच्छा, अभी आगे ये चेक करना है, बताइए क्या विधि। आप कहेंगे समर्पण तो है नहीं, फिर क्या करना है, तो एक है समर्पण
और आगे है सर्व समर्पण। बाबा डिफरेंशिएट करता है, एक है समर्पण, दूसरा है सर्व समर्पण। सर्व में विशेष अंडरलाइन है, अपने मन बुद्धि संस्कार सहित समर्पण। सर्व समर्पण में तीनों दिन जो सूक्ष्म बातें हैं, क्योंकि जितना आगे बढ़ते हो पुरुषार्थ में तीव्र गति से कदम उठाते हो और उठा भी रहे हो, लेकिन वर्तमान वायुमंडल प्रमाण जो अभी की सिचुएशन चल रही है, वाइब्रेशन जो आसपास वायुमंडल, उसके प्रमाण ब्राह्मण जीवन में भी मन और बुद्धि के ऊपर व्यर्थ का प्रभाव बुरा नहीं, व्यर्थ का प्रभाव बुरा नहीं, बुरा खत्म हुआ ब्राह्मण बने तो, लेकिन व्यर्थ और नेगेटिव का प्रभाव ज्यादा है। पहले तो बुरा था, अब उसमें से कैटेगरी थोड़ी नीचे आ गई। बड़े बड़े विकार तो काफी बाबा कहते हैं विजयी, उसके ऊपर विजयी बन गए, मगर छोटे छोटे जो है उसकी बाबा बात करें, जो व्यर्थ और नेगेटिव थॉट वर्ड्स और एक्शन के रूप में छोटे, उसका प्रभाव ज़्यादा है। और साइंस भी क्या कहती है, स्पिरिचुअलिज्म भी यही कहता है कि 90% मोर देन 90% थॉट्स आर वेस्ट एंड नेगेटिव। साइंस भी कहता है वी आर यूजिंग हार्डली अवर 10% ऑफ माइंड, बोथ आर सेम थिंग। इसलिए बाबा वो याद दिला रहा कि आज वर्तमान समय ये है, इसलिए यथार्थ और सत्य निर्णय करने की महसूसता की शक्ति कम हो जाती। रिजल्ट क्या होता है, व्यर्थ और नेगेटिव का प्रभाव ज़्यादा होगा तो जो महसूसता की शक्ति है वो कम हो जाती है। कैसे होती बाबा समझाता है, समझ से महसूसता होती है, हाँ यह रॉन्ग है, यह ठीक नहीं है, लेकिन एक है विवेक से महसूसता कि हाँ ये बराबर नहीं है, और दूसरी है दिल से महसूसता। विवेक और दिल क्या फर्क है बाबा बताता है, अगर दिल से कोई भी बात को महसूस कर लिया तो दुनिया बदल जाए लेकिन स्वयं नहीं बदलेगी। ये है दिल की महसूस, मतलब दिल से ठान लिया तो दुनिया में कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं ये है दिल की महसूसता जिससे परिवर्तन करना इजी हो जाता। अगर दिल से कोई भी बात को महसूस कर ले तो दुनिया बदल जाए लेकिन स्वयं नहीं बदलेगा, और संस्कार पुराने 63 जन्म के होने के कारण नेचुरल हो गए हैं, जिसको दूसरे शब्दों में कहते हो ये गलती नहीं है, मेरी नेचर है गलती, कहते क्या है मेरी नेचर है। तो पुराने संस्कार कुछ मिटते हैं, कुछ दब जाते हैं और फिर निकल आ जाते हैं, निकल आते हैं जो निकलना नहीं चाहिए वो निकल आते हैं। लेकिन सर्व समर्पण का अर्थ है क्या, मन का भाव और भावना हर आत्मा के प्रति परिवर्तन हो जाए। मेरी नेचर बाबा कैसे से नहीं चलेगा, जिसको बाप दादा कहते हैं कैसी भी आत्मा हो, और भिन्न भिन्न तो होगी ही, कल्प वृक्ष है, वैरायटी नहीं हो तो शोभा नहीं है ना, वृक्ष के अंदर नए नए पत्ते न आए और वृक्ष आगे न बढ़े तो शोभा कैसे होगी। लेकिन हर आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना, तो हरेक के संस्कार हरेक की बातें अलग अलग ही रहेगी और अलग अलग ही होगी, मगर हमें क्या रखना है, मन का भाव और अपनी भावना ये हर आत्मा के प्रति व्यर्थ और नेगेटिव न रहे, परिवर्तन हो जाए। इसलिए बाबा कहते हैं अशुभ भावना को भी परिवर्तन कर शुभ भावना रखना और शुभ भावना देना, हर आत्मा के प्रति शुभ कामना यह अवश्य बदलेंगे। पहले तो भावना रखना और देना, और इच्छा क्या रखने, शुभ कामना अवश्य बदलेंगे। ऐसा नहीं कि यह तो बदलता है, बदलना ही नहीं है, श्राप देते हैं, उसके प्रति जज बन के जजमेंट नहीं दो। तब किताब जज नहीं हो, बदलना नहीं बदलना उसके हाथ में है, उसके पावर में है, परमात्मा का हर बच्चा पावरफुल है बदलने के लिए।
इसलिए जजमेंट नहीं दो कि यह बदलना ही नहीं है। जब चैलेंज की है क्या कि प्रकृति को भी परिवर्तन कर सतोगुणी बनाना ही है, बनाना ही है, सत्य तो ही आएगा। खाली हम सतोगुणी बन जाए, प्रकृति तमोगुणी रहे तो परिवर्तन हो नहीं सकता, कहाँ जाएंगे। जाना है सतोगुणी दुनिया में, सतोगुणी बन कर तो दुनिया तो चाहिए। इसलिए बाबा कहते क्या वायदा किया है, प्रकृति को भी परिवर्तन करेंगे ही, बनेगी नहीं बनेगी क्वेश्चन नहीं, बनाना ही है, प्रकृति को भी पावन बनाना ही। शब्द को अंडरलाइन किया है। तो क्या प्रकृति बदल सकती है, आत्मा नहीं बदल सकती। आत्मा तो प्रकृति का पुरुष है, प्रकृति के ऊपर है वो, तो प्रकृति बदले पुरुष न बदले क्यों। तो वर्तमान समय ये मन बुद्धि संस्कार स्व के परिवर्तन और सर्व के परिवर्तन, यही सेवा, सबसे बड़ी सेवा। बाबा ने पूरा प्लान बता दिया कि क्या करना, सबसे बड़ी ये सेवा है, स्व परिवर्तन और सर्व का मतलब विश्व परिवर्तन। सभी पूछते हैं इस वर्ष में क्या करना है, तो डबल सेवा करनी है। एक तो स्व को सर्व समर्पण, और इतना स्व को समर्पण करो जो आपका वायुमंडल, आपका वाइब्रेशन, आपका संग, आपका दिल का सहयोग। एक एक वर्ड बराबर सुनना, बाबा कहता है आपके दिल की दुआएं औरों को भी सहज परिवर्तन करने में सहयोग दे। वायुमंडल, वाइब्रेशन, संग, दिल का सहयोग और दुआएं, पांच चीजें, इसका स्व परिवर्तन करना है, सर्व समर्पित करना है। यह एक यह सेवा और दूसरी है लोक सेवा। रिजल्ट में देखो कि चारों ओर देश में, विदेश में, गांव में सभी ब्राह्मण बच्चों ने अब तक जो सेवा की है, बाप के मुहब्बत से की है, उसकी तो बाप दादा बहुत 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 मुबारक देंगे हैं। अगर आगे क्या करना, बाबा फ्यूचर का प्लानिंग विधि सब कुछ मुरली में दिखाता है। बाप दादा ने देखा जो ब्राह्मण बने हैं, ब्राह्मणों की भी वृद्धि है और भी तीव्र गति की वृद्धि होनी है, लेकिन साथ में जो लोकप्रिय सेवा की है, भिन्न भिन्न प्रोजेक्ट द्वारा सेवा हो रही है, वो बहुत अच्छी है। अभी भिन्न भिन्न स्थानों पर सहयोगी आत्माएं अच्छी निमित्त बनी। सहयोगी तो बहुत अच्छे हैं, एक कदम सहयोग का है, एक पांव तो बढ़ाया है, लेकिन दूसरा पांव सहज योगी है, सहज योगी कर्म योगी, दूसरा पांव अभी बाकी है। जो विंग के द्वारा सेवाएं हो रही है, जो ब्रह्मा कुमार इसके 20 विंग है, उनके द्वारा बाबा कहते सहयोग अच्छा मिला, मगर सहज योगी कर्म योगी नहीं बने। कर्म योगी या सहज योगी भी कुछ कुछ बन गई है, यह भी स्टेज दूसरी है। अभी ऐसी आत्माएं प्रैक्टिकल स्वरूप में स्टेज पर पाठ बजाए, कौन जो बनी है। माइक स्टेज पर होता है ना, तो माइक बन सेवा की स्टेज पर प्रत्यक्ष रूप में भी आएंगे जरूर। आप माइट हो वह माइक, क्योंकि वो नामी ग्रामी आत्माएं विश्व में होती है। जैसे बाबा एग्जाम्पल देता है, ब्रह्मा बाप अव्यक्त रूप में माइट है और आप बच्चों को माइक बनाया, ऐसे आप माइट बनो और ऐसे माइक तैयार करो। यह बहुत बहुत अच्छे अच्छे उम्मीदवार फास्ट जाने वाले हैं, सिर्फ अब और ऐसी आत्माओं के कनेक्शन को बढ़ाने की आवश्यकता है। वह चाहते हैं क्या करें, कैसे करें, उनको माइट बन विधि ऐसी सुनाओ जो लौकिक ऑक्यूपेशन और अलौकिक सेवा दोनों का बैलेंस रखते हुए लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट के लाइन में आ जाए। ऐसे है बाबा के, है बाबा के बच्चे बहुत प्रत्यक्ष होने भी, प्रत्यक्ष नहीं है, सिर्फ कनेक्शन और करंट दो, रूहानियत की करंट, रूहानियत की वाइब्रेशन, रूहानियत के वायुमंडल की करंट और विधि
जो निमित्त बने कि बैलेंस रखने वाली जीवन बहुत अच्छी और सहज है। ठीक है ने, क्या करना है वो सुन लिया ने भगवान ने, पूरी मुरली जो कहनी थी वो कह दी। छोटा छोटा गुलदस्ता तो तैयार करो, चलो बड़ा गुलदस्ता नहीं, 5 फूलों का 10 फूलों का गुलदस्ता ले आओ मधुबन, और हर एक तरफ बाप दादा की नजरों में है। सुना पांडव, सुना बहुत अच्छा। डबल फॉरेनर्स जंप नहीं लेकिन उड़ रहे हैं, तो पहला गुलदस्ता विदेश लाएगा या भारत लाएगा, कौन लाएगा? कि दोनों को, दोनों साथ में लाएंगे, एक तरफ से फॉरेन का और एक तरफ भारत का, दोनों गुलदस्ते स्टेज पर आएंगे। तब आप फ्यूचर प्लानिंग कह रहा है क्या क्या करना है। जैसे ये सेरेमनी मनाते हो तो वह भी सेरेमनी मनाएंगे, दोनों गुलदस्ते की, भारत की भी और विदेश की भी। ठीक है, विदेश वाले क्या समझते हैं? ठीक है, तो दूसरी सीजन में लाएंगे, बाबा कहते हैं दिखाने लाएंगे, नहीं लाना है। भारत वाले लाएंगे लौकिक और अलौकिक ऑक्यूपेशन के बैलेंस वाले, आप जैसे सिर्फ ब्राह्मण जीवन वाले नहीं, लौकिक भी और अलौकिक भी उन्हों का प्रभाव ज़्यादा होगा। आप लोगों से तो दृष्टि देने आएंगे। अच्छा, क्या सोच रही है जयंती? जयंती को इनको बाबा एड्रेस कर रहा है। नाम सोच रही है क्या, या निर्मला मोहनी नाम सोच रहे हैं ना? यहाँ पांडव देखो, भारत के पांडव कोई कम है? सुभान अल्लाह है। यह देखो कुछ कुछ तो बैठे भी हैं, ये ब्रायन सामने बैठे हैं, ऑस्ट्रेलिया के ब्रायन बाल। गुलदस्ता तैयार करना है ने, बहुत अच्छे अच्छे क्या नाम देते हो? NCO, नेशनल कोऑर्डिनेटिंग ऑफिस। अच्छा, फॉरेन के NCO वाले हाथ उठाओ, जैसे हमारे कौन है जो ब्रदर निमित है हमारे कनाडा के, तो ऐसे सब, तो ब्राइन भाई क्या है ऑस्ट्रेलिया में निमित है, तो बाबा कहते हाथ उठाओ। NCO बनना सहज नहीं है, कमाल करना पड़ेगा, कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि धरनी तैयार है, बीज भी पड़ा हुआ है, सिर्फ पालना का पानी देना है, अभी बीज को पालना का पानी चाहिए। अच्छा, तो बाबा ने खास करके प्लानिंग दिया और क्या करना है कैसे करना है वो भी बताया। टीचर्स भी बहुत आई है, टीचर्स को भी मुबारक है, आपने तो सेवा की है ने, तो सेवा की मुबारक। अच्छा, गुजरात का क्या हाल है? तो किसी ने कहा गुजरात में बहुत बड़ा भूकंप आया है, 26 जनवरी 2001, मुरली है फेब्रुआरी की, सॉरी अगस्त, सॉरी फेब्रुआरी, हाँ अगस्त तो अभी है, फेब्रुआरी की मुरली है। तो बाबा कहते हैं भूकंप आया है, हलचल गुजरात से शुरू हुई है, ज़्यादा हलचल गुजरात और विदेश में भी थोड़ा थोड़ा शुरू है, डरते तो नहीं होने, बाबा पूछ रहा है। धरनी तो हिलती है लेकिन दिल तो नहीं हिलती है न, जहाँ धरनी हिली है नुकसान हुआ है, वहाँ से जो आए हैं वह उठो, तो अहमदाबाद वाले भी उठो, क्योंकि अहमदाबाद में भी काफ़ी हलनचल हुई है। अच्छा, हिली दिल की धरनी हिली, वो पूछ रहा है क्या हुआ दिल में, थोड़ा सा ऐसा ऐसा हुआ, नहीं हुआ, बहादुर है बाबा कहते। बाप दादा ने देखा कि बच्चों ने अपने हिम्मत और बाप की छत्र साया से अच्छा अपना रिकॉर्ड रखा, कोई फेल नहीं हुआ, सब पास हो गए, कोई थोड़ा कोई ज़्यादा, नंबर वार तो सब होता ही है हर जगह बाबा कहते, लेकिन सब पास है, मुबारक है। सबसे ज़्यादा नाजुक स्थान से कौन आए? तो किसी ने कहा एक भुज की और एक बचाव की बहन आई, भुज में हुआ था, उसका सेंटर पॉइंट जो था कच्छ डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अच्छा, भुज में आप तो हजार भुजाओं वालों के साथ थे, बाबा खुद कहना सर्टिफिकेट दे रहा है। अच्छा, पेपर में पास, बहुत अच्छा किया, आगे भी हिलना नहीं है, अभी तो होता रहेगा, घबराना नहीं। तो किसी ने कहा रोज होता है, तो बाबा कहते होने दो, देखो परिवर्तन तो होना है ने, तो प्रकृति भी अपना काम तो करेगी ने। जब मनुष्य आत्माओं ने प्रकृति को तमोगुणी बना दिया, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस, प्रकृति अपना रिवेंज ले रही है, क्योंकि एक्शन एंड रिएक्शन
आर ऑलवेज ऑपोजिट एंड इक्वल। इसलिए हमने क्या किया, मनुष्य आत्माओं ने प्रकृति को तमोगुणी बनाया तो वह अपना काम तो करेगी नहीं, लेकिन हर खेल ड्रामा के खेल में यह भी खेले, खेल को देखते हुए अपनी अवस्था ऊपर नीचे नहीं करना। मास्टर सर्वशक्तिमान आत्माओं की स्वस्थिति पर परिस्थिति प्रभाव नहीं डाले, परिस्थिति और ही आत्माओं को मानसिक परेशानियों से छुड़ाने के निमित्त बनो। क्यों? क्योंकि मन की परेशानी आप मेडिटेशन से ही मिटा सकते हो। डॉक्टर्स अपना काम करेंगे, साइंस वाले अपना काम करेंगे, गवर्नमेंट अपना काम करेगी, आपका काम है मन के परेशानी टेंशन को मिटाना, टेंशन फ्री जीवन का दान देना, सहयोग देना। जैसे वर्तमान समय देश विदेश वाले सहयोगी बन सहयोग दे रहे हैं, बहुत पैसा आया था, बहुत धन, बहुत लोगों सेवाधारी भी बहुत आए थे, ब्रह्मा कुमारी ने भी काफ़ी तन मन धन से सेवा की थी। तो बाबा कहते हैं सहयोग दे रहे हैं, ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। इससे सिद्ध होता है कि चाहे विदेश हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन भारत देश से प्यार है। हर एक अपना अपना कार्य तो कर रहे हैं, आप अपना कर रहे हैं। जैसे आग लगती है तो आग बुझाने वाले डरते नहीं है, बुझाते हैं। तो आप सब भी मन के परेशानी की आग बुझाने वाले हो। हमारा काम क्या है बाबा ने बता दिया। अच्छा, तो गुजरात मजबूत है ने, हजार भुजाओं की छत्र छाया में हो, कहाँ भी आए, अभी तो गुजरात को देखकर अनुभवी हो गए हो ने, अर्थ पे कहाँ भी आ सकती है। तो बाबा कहते कहाँ भी आए, देखो प्रकृति को कोई मना नहीं कर सकता है, गुजरात में आओ, आबू में नहीं आओ, बॉम्बे में नहीं आओ, नहीं, वह स्वतंत्र है। लेकिन सभी को अपने स्वस्थिति को अचल अडोल और अपने बुद्धि को मन के लाइन को क्लियर रखना है, स्थिति बुद्धि और मन। लाइन क्लियर होगी तो टचिंग होगी। बाप दादा ने पहले भी कहा था, उन्होंने की वायरलेस है आपकी वॉइसलेस बुद्धि, वहाँ काम कैसे करते साधन वायरलेस, हमारा है वॉइसलेस। क्या करना है, क्या होना है, यह निर्णय स्पष्ट और शीघ्र होगा, यदि वॉइसलेस होंगे तो। ऐसा नहीं सोचते रहो बाहर निकले, अंदर बैठे, दरवाजे पर बैठे, छत पर बैठे, नहीं, आपके पांव वहाँ ही चलेंगे जहाँ सेफ्टी होगी। और अगर बहुत घबरा जाओ, घबराना तो नहीं चाहिए, लेकिन बहुत घबरा जाओ, बहुत डर लगे तो मधुबन असलम घर आपका है। देखो बाबा की खुलियों पर, डरना नहीं, अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो सब कुछ होना है, डरना नहीं है, खेल है, परिवर्तन होना है ना, विनाश नहीं होना है, परिवर्तन होना है। सब में वैराग्य वृत्ति उत्पन्न होनी है तो ही होगी। रहम दिल मन सर्व शक्तियों द्वारा सकाश दे रहम करो, समझा? अच्छा, अभी एक सेकंड में मन और बुद्धि को एकाग्र कर सकते हो, स्टॉप, बस स्टॉप हो जाए। अभी एक सेकंड के लिए मन और बुद्धि को एकदम एकाग्र बिंदु बिंदु में समा जाओ। अच्छा, बाप दादा ने ड्रीम कराई, पूरा टाइटल है, पूरी मुरली का सार है, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को। दूसरा, चारों ओर के सदा दृढ़ संकल्प का व्रत रखने वाले अचल आत्माओं को। तीसरा, चारों ओर के सर्व हिम्मत होल्लास से स्वसेवा और लोक कल्याण की सेवा करने वाले महान सेवाधारी आत्माओं का आज के शिव जयंती की, हीरे तुल्य जयंती की, न्यारी और प्यारी जयंती की मुबारक हो, और दुआ के साथ, दुआओं के साथ याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। आज का वरदान है, बाप के स्नेह को दिल में धारण कर, धारणा, सर्व आकर्षणों से मुक्त रहने वाले तो आकर्षण मुक्त रहेंगे, सच्चे स्नेही भव तो ही स्नेही बन सकते हैं।
तो बाबा समझाते हैं, बाप सभी बच्चों को एक जैसा स्नेह देते हैं, लेकिन बच्चे अपनी शक्ति अनुसार स्नेह को धारण करते हैं। जो अमृत वेले के आदि समय पर बाप के स्नेह को धारण कर लेते हैं, तो दिल में परमात्म स्नेह समाया होने के कारण और कोई स्नेह उन्हें आकर्षित नहीं करता। अगर दिल में पूरा स्नेह धारण नहीं करते, तो दिल में जगह होने के कारण माया भिन्न भिन्न रूप से अनेक स्नेह में आकर्षित कर लेती है। इसलिए सच्चे स्नेही बन परमात्म प्यार से भरपूर रहो। आज का श्लोगन है, देह की पुरानी दुनिया और देह के संबंधों से ऊपर उड़ने वाले ही इंद्रप्रस्थ निवासी है। सूचना है कनाडा के टाइम अनुसार कल का, इंडिया के टाइम अनुसार आज का। आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सभी ब्रह्मावस संगठित रूप में 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष रहमदेल बाप के साथ अपने मास्टर रहमदेल स्वरूप में स्थित हो। सर्व आत्माओं को पवित्रता का बल दे, रहमदेल और प्योरिटी पवित्र वाइब्रेशन वायुमंडल में फैलाने की सेवा करें। तो कल ऑनलाइन 6:30 से 7:30 बजे तक 1 घंटा योग रहेगा, जो चलाते हैं 1:30 मिनट मतलब आधा घंटा पहले चलाएंगे, और ये रहेंगे रहमदेल और प्योरिटी, और प्योरिटी के वाइब्रेशन फैलाने। अच्छा, ओम शांति।